जैन भाई ज़रा एक्सप्लेन करें आज आप हमें कहाँ पे लेके आए, कौन सी जगह है, इसके बारे में कुछ तरह बताएं। हाय गाइस, मैं हूँ जैन जैक, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मानी भाई जी। आज हम ये मुगलिया दौर का बना हुआ एक बहुत पाकिस्तान की शान है, पाकिस्तान में नाम है इसका, गूगल पे मैप है और बहुत खूबसूरत जगह है। इतनी खूबसूरत जगह, इतना पुरसकून माहौल और मेरे ख्याल से ऐसा मैंने कोई दरबार नहीं देखा। आज हम मौजूद हैं जंगीर के मकबरे में। मेरे दाएं जानी जंगीर का मकबरा है और इस साइड में उनका दरबार बना हुआ है और मेरे इस लेफ्ट साइड पे उनके ब्रदर इन लॉ आसिफ जंगीर का यहाँ पे मकबरा है। और जैसा कि आपको शायद मालूम ही होगा, मलका नूरजहाँ बादशाह साहब की लाडली बेगम और बेटी, बिल्कुल इसके ऑपोजिट उनका भी दरबार है। इस अहाते में, इस यहाँ के दरबार में 180 कमरे हैं और बहुत ही खूबसूरत अंदाज उसको बनाया गया है। इतनी पुरानी हिस्ट्री में जो आज भी इतनी खूबसूरत रखी गई है, ज़ाहिर सी बात है लोग इसको मेंटेन करते हैं और हमारी गवर्नमेंट इसको करती है, तो हम गवर्नमेंट के बड़े शुक्रगुजार हैं क्योंकि उन्होंने आज भी इनको इसी तरह रखा है जैसे ये तरोताज़ा और आज ही बने हैं। बाकी जैसा कि आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया गया है कि यहाँ पे 180 कमरे हैं, इन 80 कमरों में यहाँ से वो स्टार्ट हैं, सुरंगें बनाई गई हैं जैसे बादशाह के गुजरने के लिए, ऊपर भी कुछ कमरे बनाए गए हैं और यहाँ से कमरे स्टार्ट हैं जैसा कि आगे देख रहे हैं ये कमरे हैं। अपने दौर के बहुत शान होती थी इन ईंटों की, इन मिट्टी की, ये ईंटें भी इसमें लगाई गई हैं, बादशाह के दौर की लगी हैं जैसे बात है। और दरवाजे आज भी आप देखें ऐसे हैं जैसे आज पेंट हो गए, आज ही लगे हैं। उस दौर के ये दरवाजे हैं, उस दौर के ताले लगे हैं, उस दौर के लोग हैं ये, और अभी भी ये खोलते हैं कई तो ऐसे जो बादशाह की लड़ी में से लोग चलते आ रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है नस्ल आगे चाली भी होगी, उनके लिए खोले जाते हैं अभी भी। देखिए जैसे कि ये कमरा खुला हुआ, लोग यहाँ पे आते थे, बैठते थे, विजिट करते थे, बादशाह वगैरह से मुलाकातें होती थी जी। जैसे कि ये कमरे बनाए गए हैं, इनकी छतें भी बनाई गई हैं, कमरों के ऊपर छत है, बहुत बड़ा ये बहुत बड़ा दरबार है। हम हर साथ रहे, हम आपको ऊपर लेके चलते हैं। यह एक दरवाज़ा था, ये हमने आज खोला, इसको खोला, ऊपर जाने लगे हैं, तो आप हमारे साथ रहे तो देखते रहे होंगे। इतनी ऊंची सीढ़ियां बनाई गई हैं, ये आज ये 180 जो कमरे बनाए गए हैं उनकी छतों पे हम मौजूद हैं। नाज़रीन, जिसके आज हम दरबार में आए हैं वो सामने आपको नज़र आ रहा होगा, ये है जंगीर का मकबरा, यहाँ पे है बादशाह का दरबार और हम आपको नीचे से बकायदा उधर जाके दिखाते हैं। तो ऐसी बात है, इसकी हिस्ट्री है, बहुत बड़ी हिस्ट्री है कि बादशाह साहब की लाडली बेगम, उनकी बेटी, बिल्कुल ऑपोजिट उनका सामने दरबार है। इतनी मोहब्बत थी उनको कि मैं आपको बता नहीं सकता। बादशाह साहब की ये लाडली बेगम कहा जाता है जी। नाज़रीन, ये इस छत के ऊपर एक हाथा बनाया गया है, इसके ऊपर छत भी है, हाथे को आपको अंदर से विजिट करवाते हैं, हमारे साथ में होते हैं। ये वो हाथा है जो इस दरबार का पहली मंजिल के ऊपर बनाया गया है। इसका इतना खूबसूरत व्यू है, इतना खूबसूरत व्यू है कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये देखिए आप देख रहे हैं, छोटी छोटी सी खिड़कियाँ हैं कि आप देखें कि आप जिंदगी इस खिड़की में से इतना प्यारा नज़ारा नज़र आता है कि खिड़की में बैठ कर बाहर देखें कि क्या चीज़ है कि पूरा महल आगे यहाँ से नज़र आ रहा है। बादशाह सलामत जब अपने महल में मौजूद होते थे तो जब निकलना होता था, आना होता था, जब यहाँ से गुजरना होता था तो कनीज़े वगैरह उनके इस्तकबाल के लिए ये वो जगह थी जहाँ से देखती थी, तो अपनी जाके पीछे ये एंट्रेंस गेट था, वहाँ पे खड़े हो जाते थे, तो उनके ये कूलर की पत्तियाँ शावर की जाती थी। ये नाज़रीन, ये वो उस एंट्रेंस का दरबार की एंट्रेंस का व्यू है, तो दरबार की तरफ जा रहे हैं, देखें आप समय तमीर देखें किस तरह की रहेंगी है ना, कितना आलीशान बनाया गया इसको।